आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। एमपी में मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस। आसाराम का बेटा नारायण साईं दुष्कर्म के मामले में दोषी, 30 को सुनाई जाएगी सजा। साध्वी प्रज्ञा को आरएसएस ने किया तलब, दिग्विजय सिंह के बयान पर लिया यू टर्न। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, पत्रकारों से बात नहीं करते, करते हैं मन की बात। और ग्वालियर में शाने भोपाल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर और सीधी में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से उनके कल्चर का ट्रेलर दिखा। कांग्रेस अब गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए, प्रसूता माताओं के लिए भारत सरकार पोषण आहार के लिए दिल्ली से पैसा भेजती है। इसका पैसा भी कांग्रेस ने तुगलक रोड घोटाले के जरिए हड़पा और फिर यही पैसा नामदार के प्रचार में लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी से कहा, साथियों इस जगह के साथ बीरबल का नाम जुड़ा हुआ है। बीरबल की खिचड़ी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस अपने महामिलावटियों के साथ ऐसी खिचड़ी पकाने वाली थी, लेकिन तीन चरणों के चुनाव के बाद अब कांग्रेस को समझ आ गया है कि उनकी यह खिचड़ी नहीं पकने वाली है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार से उनके कल्चर का ट्रेलर दिखा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी किसके लिए ला रहे हैं, कभी किसी गरीब किसान को कर्ज मिलता है? ये कर्ज माफी कांग्रेस अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। कांग्रेस अब गरीब बच्चों के मुंह से निवाले छीन रही है। इसका पैसा भी कांग्रेस ने तुगलक रोड घोटाले के जरिए हड़पा और फिर यही पैसे नामदार के प्रचार में लगाया है। उनके जो चेले हैं वो पूछते हैं कि विरोधी दल वालों के यहाँ रेड क्यों नहीं करते हो? मैं रेड नहीं करता, यह तो डिपार्टमेंट का मामला रहता है, लेकिन जब इनके राज खुलते हैं तो मुझ पर सवाल उठते हैं। बीरबल का नाम जुड़ा है, बीरबल की खिचड़ी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस अपने महामिलावटियों के साथ मिलकर ऐसी ही खिचड़ी पकाने की फिराक में थी, लेकिन तीन चरणों के मतदान के बाद उसको समझ आ गया है कि वंशवाद के चूल्हे में अब ताप नहीं है। मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्ट सरकार है वो हमें किसानों की सूची नहीं दे रही है, ताकि अगर हम पैसा देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। मुख्यमंत्री जी, मैं जानता हूँ आपको बेटे को सेट करना है, आपके करीबियों के घर नोटों के बंडल निकले, लेकिन आपको किसानों की लिस्ट भेजने के लिए समय नहीं है। अगर आप लोग हमें जिताएंगे तो 23 मई को नतीजे आने के बाद ये किसानों को मिलने वाला पैसा नहीं रोक पाएंगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके इस नामांकन में एनडीए की ताकत भी साफ नजर आई। साथ ही प्रधानमंत्री होने की वजह से मोदी के नामांकन की प्रक्रिया में आम उम्मीदवारों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक शपथ पत्र भी पढ़ा। इससे पहले उन्होंने डीएम दफ्तर में ही पहले से मौजूद एनडीए गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के दौरान एनडीए की ताकत देखने को मिली। एनडीए नेताओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो राम विलास पासवान, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल जहां मौजूद थे, वहीं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सीतारमण, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय मंत्री नितिन
नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी, जयप्रदा, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने दिन की शुरुआत सुबह बूथ प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ की। मोदी ने कहा कि इस चुनाव के दो पहलू हैं, एक है काशी लोकसभा जीतना, मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है, एक काम अभी बाकी है, वो है पोलिंग बूथ जीतना, और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का झंडा झुकने नहीं देगा, लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भाग्यवान है कि वो कहीं भी रहे, यहाँ का कार्यकर्ता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मानता है। कम से कम खर्च से चुनाव लड़ा जा सकता है, मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, आपके एक पोलिंग बूथ में मान लीजिए 1000 वोट है, 1000 वोट है मतलब 250 परिवार में आपके पास मान लीजिए बूथ में 25 कार्यकर्ता हैं, तो एक कार्यकर्ता के जिम्मे 10 परिवार उसके जिम्मे लगा दो और उसको बता दो कब तुम्हारा टीवी का खर्चा बंद, अखबार का खर्चा बंद, चाय का खर्चा बंद, नाश्ते का खर्चा बंद, तो शुरू में तो चिल्लाएगा, लेकिन करना क्या है, आपको जो 10 परिवार दिए हैं तो सुबह की चाय के समय एक परिवार में पहुंच जाइए, नमस्ते जी, कैसे हैं जी, बेटा कहाँ रहता है, तबीयत कैसी है, माँ दवाई वगैरह कहाँ लेती हो, बस यही जी बातें करिए और फिर वो कहेगी चाय पियोगे, हाँ हाँ जरूर चाय पियोगे। मोदी ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस चुनाव में हमें कुछ रिकॉर्ड भी तोड़ने हैं, मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र जीतना चाहिए। रिकॉर्ड ये तोड़ना है कि अब तक बनारस में, उत्तर प्रदेश में जितना पोलिंग हुआ है उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग हो, दुनिया को दिखाना है कि मतदान के सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे। मोदी ने कहा कि हम सब कार्यकर्ता निमित्त मात्र हैं और जनता चुनाव लड़ रही है, जनता 5 साल के अनुभव के आधार पर अनेक आशा आकांक्षा लेकर हमसे जुड़ गई है, जनता ने पूरे देश के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया है, जनता ने सरकार चुनने का मन बना लिया है, इतिहास का ये पहला मौका है कि इस तरह का चुनाव देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई पर दो बहनों द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को सूरत की सेशन कोर्ट ने सही मानते हुए दुष्कर्म के इस मामले में नारायण साई को दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान 30 अप्रैल को किया जाएगा। नारायण साई पर आरोप लगाने वाली दोनों बहनें सूरत की रहने वाली थी। पुलिस ने इन बहनों के आरोपों और उनके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था, जिस पर सूरत की सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। नारायण साई और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़ित छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साई के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की, जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई के दौरान 53 गवाहों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे, जिनमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने नारायण साई को युवतियों के साथ संबंध बनाते देखा। केस दर्ज होने के बाद नारायण साई लापता हो गया था और आखिरकार 2013 में उसे नारायण साई हरियाणा दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि वे अपने मन की बात करते हैं, पत्रकार उनसे कुछ पूछे ये उन्हें मंजूर नहीं है। जबलपुर में भूपेश बघेल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। अभिनेता अक्षय कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। इंटरव्यू को लेकर उन्होंने कहा कि जो बात नरेंद्र मोदी को पत्रकारों से करना चाहिए वो फिल्म अभिनेता से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर वो घबराते क्यों हैं, क्यों पत्रकारों का जवाब देने से बचते हैं। नरेंद्र मोदी जी 5 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं किए, जबकि प्रधानमंत्री हर साल एक पत्रकार वार्ता जरूर करते रहे, जब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल में एक बार भी नहीं किया। और सवाल क्यों घबराते हैं, पत्रकार वार्ता ले, सवालों का जवाब दे, जनता सुनना चाहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वैसे हैं, बस अपने मन की बात करते हैं, सवालों से का सामना नहीं कर सकते। पत्रकार वार्ता होगा तो पूछेंगे आप अरे मेरा क्या हुआ, पूछेंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार का क्या हुआ, ये भी पूछेंगे राफेल डील का दिक्कत क्या है, ये भी पूछेंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये भी पूछेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसका क्या हुआ, तो सारे सवाल आएंगे और इसलिए वो पत्रकार वार्ता नहीं करते। ठीक। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति की महिला रही है और ऐसे लोग कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में कुछ भी संभव है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आरएसएस ने चुनाव के दौरान सोच समझ के बोलने की नसीहत दी है। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को आतंकी कहने वाले बयान से साध्वी प्रज्ञा पलट गई। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, मैंने कभी आतंकी नहीं कहा। कल सीहोर में साध्वी प्रज्ञा ने एक सभा में दिग्विजय को आतंकी कहा था। साध्वी प्रज्ञा सिंह को आरएसएस ने तलब किया तो साध्वी तत्काल भोपाल से संघ कार्यालय समीढा पहुंची। खबर है आरएसएस ने साध्वी को तोल मोल के बोलने को कहा है। साध्वी प्रज्ञा इस समय अपने विवादित बयानों में ज्यादा चर्चा में है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा अपने एक दिन पहले दिए गए बयान से पलट गई। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी नहीं कहा है। गन्ना फैक्ट्री, गन्ना मिल, 5 प्रकार की ऑयल मिल, ये सब बंद करवाए उसने, लोगों को बेरोजगार कर दिया। गुना लेके गए थे यहाँ से फैक्ट्री का गन्ना, पूरा सीओ का गुना लेके, खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। आतंकी कल आपने बोला था दिग्विजय सिंह को, उसको लेकर चुनाव नीचे कर लो, मेरा नीचे कर लो, मेरा नीचे कर लो, मेरा नीचे कर लो, मेरा नीचे कर लो। साध्वी ने दिग्विजय सिंह पर दिए बयान पर यूटर्न से पहले साध्वी प्रज्ञा की संघ के साथ भोपाल में प्रचार के लिए रणनीति भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, संघ कार्यालय सहज भेंट के लिए गई थी, संघ मेरा परिवार है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। झा ने कहा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को लग रहा है कहां फंस गए, उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस दिग्गज दिग्विजय सिंह की चुप्पी पर कहा, उन्हें लग रहा है कहां फंस गए। प्रभात झा ने साध्वी के बयानों पर कहा, उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया, प्रज्ञा आत्म पीड़ा से द्रवित थी इसलिए कुछ बोल दिया। दिग्विजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए, अब वो सदमे में चले जाए, वो नाराज हो गए होंगे कि कहां सोचा था, क्या हो गया, कहां फंस गए, कहां चक्कर में आ गए गुरु, क्या क्या सोचा था कि केंद्र में क्या होगा। अब जब तुषारापात होता है, कुछ घटनाएं बदल जाती हैं, हाथ से जब निकल जाती है बातें, तो वो दुख में होंगे। छिंदवाड़ा में शिवराज के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने पर प्रभात झा ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते और हम कमलनाथ जी को चुनाव प्रचार नहीं करने देते तो कैसा लगता, क्या छिंदवाड़ा में धारा 370 लगी हुई है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर में उस समय एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब शाने भोपाल एक्सप्रेस डीरेल हुई मालगाड़ी की बोगियों से टकरा गई। शाने भोपाल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग कर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। सुबह के वक्त ही ग्वालियर स्टेशन पर आग लग गई। इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन रेल यातायात इससे बाधित जरूर हुआ है। भोपाल से निजामुद्दीन जा रही शाने भोपाल एक्सप्रेस ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर सुबह तड़के ही पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी के 4 बोगियों से जा टकराई, जिसकी वजह से बहुत तेज धमाका हुआ। यात्री घबरा गए। ट्रेन के चालक की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल ट्रेन चालक को कोई सिग्नल नहीं मिला, जिस वजह से ट्रेन मालगाड़ी के डिब्बों से जा टकराई। हादसे के बाद ट्रेन को वापस ग्वालियर ले जाया गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ यात्रियों के अलावा ट्रेन के ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद दिल्ली से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला रेल मार्ग सुबह हादसे के बाद से ही कई घंटों तक बंद पड़ा रहा। यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर की सूझबूझ ने बड़ा हादसा टाल दिया। मैं भोपाल से चलकर हजरत निजामुद्दीन जा रहा था। 361 मेरी बर्थ है, और जैसे ही गाड़ी ने 3:48 पर ग्वालियर पार करके जैसे ही आगे चली, स्पीड कम थी, अचानक ड्राइवर ने बहुत तेज़ ब्रेक मारे, और जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से बचा है। ये जितने के लोग हैं, इससे पहले पटरी के ऊपर मालगाड़ी का एक डब्बा वो हमारे ट्रैक पे पड़ा हुआ था। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ ना दिखाई होती तो आज हजारों जान जा सकती थी। इस घटना के बाद सुबह 7 बजे राहत ट्रेन ग्वालियर पहुंची। रेल के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित कैंटीन में आग लग गई। आग ने पास में बने मुख्य प्रवेक्षक रूम को भी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। शासन की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर नक्सल कमांडर बेटी मल्ला समेत 4 नक्सलियों ने सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाले 4 में से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। सुकमा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में बेटी मल्ला उर्फ रवि, सोडी लच्छा, मुड़ाम उर्फा और सुनील और रवा हुंग शामिल हैं। बता दें, आत्मसमर्पित नक्सली बेटी मल्ला मिलिशिया कमांडर था। यह सन 2001 से ही नक्सली संगठन में शामिल है। इसके ऊपर कई ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों का अपहरण कर हत्या करने के मामले दर्ज हैं। साथ ही कई जगह पर IED ब्लास्ट में बेटी मल्ला शामिल रहा है। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली सोडी लच्छा पुलिस कैंपों और फायरिंग व वाहनों में आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा है। इसी प्रकार मुड़ाम हुर्रा 2004 में नक्सली संगठन से जुड़ा। रवा हुंगा भी जनमिलिशिया का सदस्य रहकर नक्सलियों के लिए राशन की व्यवस्था करने का काम करता था। ये सभी सरकारी योजनाओं से आकर्षित होकर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते थे। इसी कारणवश इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी क्रम में आज हमारे यहाँ 4 पूर्व नक्सली, जो कि नक्सली में कोई विचारधारा से जुड़ करके इलाके के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, वो आत्मसमर्पण करने के लिए आए हुए थे। और इन चारों का नाम बट्टी मल्ला, थोड़ी लच्छा, मुराम हुर्रा और रवि हुंगा, ये चारों अलग अलग क्षेत्र में एक्टिव थे और कई सारी गतिविधियों में भी इन्होंने भाग लिया था, नक्सली गतिविधियों में। इनके खिलाफ काफ़ी सारे वारंट भी हैं। तो इन लोगों ने आज हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है, एवं शासन की जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पण नीति है, उसके हिसाब से जो भी इनको लाभ होगा वो प्रदान किया जाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
लोकसभा चुनाव के लिए रीवा पुलिस ने तीन तरह से तैयारी कर ली है। एसपी आबिद खान ने बताया कि मतदान से पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने दखल न्यूज से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर एक्सटेंडल प्रोटोकॉल है, हम तीन तरह से अपनी तैयारियां करते हैं, पोलिंग के पहले, पोलिंग के दिन और पोलिंग के बाद। पोलिंग के पहले जो मुख्य रूप से व्यवस्थाएं रहती हैं, हम लोग जितने भी असामाजिक तत्व रहते हैं उनको चिन्हित करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी मूवमेंट आर्म्स और शराब के लिए आते हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड तैयार रहते हैं, सर्वेलेंस टीमें बनी हुई हैं। उन्होंने कहा हमने ऐसे मतदाताओं को भी चिन्हित किया है जिनको डराया धमकाया जा सकता है। तीन तरह से हम लोग अपनी तैयारियों का विभाजन करते हैं, पोल के पहले, पोल के दिन और पोल के बाद। और पोल के पहले जो मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं रहती हैं उनमें हम लोग जो जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका चिन्हांकन करना, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना, जितने भी जो मूवमेंट है आर्म्स का, इलिसिट लिकर का, इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना, जिसके लिए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हुई हैं। हमारी जो CRPF की हमारे पास एक टुकड़ी आई हुई है उसको लेकर पैदल भ्रमण किया जा रहा है लगातार सभी थाना क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से हम लोग की सारी कार्रवाइयाँ चुनाव के पहले जो हमको की जा रही है संपादित की जा रही है। आबिद खान ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारे पास CRPF की एक टुकड़ी आई है जिसको लेकर के हम लगातार सभी थाना क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के दिन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी पोलिंग बूथों में किस तरह का बल लगाना है इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में मतदान कर लौटे लोगों के साथ नक्सलवादियों ने मारपीट की और एक बतौर सजा एक युवक को गांव से निकाल दिया। बस्तर में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। ग्रामीणों ने इस मामले में सुरक्षा कैंप खोले जाने की मांग की है। चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद नक्सल प्रभावित बस्तर में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो नक्सलियों को नागवार लगा और एक गांव में बतौर सजा नक्सलियों ने एक युवक को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मतदान के बाद नक्सलवादियों ने कुछ ग्रामीणों की जमकर पिटाई की और 8 लोगों को गांव छोड़ने को कहा है या फिर नक्सलियों ने हर महीने रुपये की मांग ग्रामीणों से की है। पैसा नहीं दिए जाने पर ट्रैक्टर को आग के हवाले करने की चेतावनी भी दी गई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में कैंप और टावर लगाए जाएं। नक्सली चुनाव को विरोध करते हैं और मुंडागढ़ गांव में पोलिंग एरिया में इस बार ग्रामीण लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए चुनाव में और लगभग मोर देन 70% वहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। इस बात से वो लोग बौखलाए थे और गांव में 13 तारीख को रात के आए, खाना बनाने के लिए बोला गया उनको, पटेल को खाना, चूँकि वो लोग नहीं बनाए इसलिए उनको मारपीट किया गया है और उसकी शिकायत आई थी थाने में। शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है अभी और उसमें एक दो नक्सलियों का नाम भी आया है और वो चूंकि सेंसिटिव एरिया है उसको मद्देनजर वहां पर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं अभी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बौखलाए नक्सलियों ने इन गांव में पहुंचकर कुछ ग्रामीणों को घर से निकालकर उनकी पिटाई की और 8 लोगों को गांव छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया। नक्सलियों के इस फरमान के बाद ग्रामीण गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल के कलियासोत डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए 3 दोस्त डैम में तैरने गए थे। इस दौरान 2 युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बाद में जब इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो गोताखोरों की मदद से इनके शव डैम से बाहर निकाले गए। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए 3 दोस्त कलियासोत डैम में नहाने के लिए पहुंचे थे।
इनमें से दो पानी में उतरे और तैरते हुए गहरे पानी में चले गए। इसके बाद अचानक दोनों युवा पानी में डूब गए। इस घटना की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी, तब गोताखोरों की मदद से इनके शव डैम से बाहर आ सके। इन शवों को खोजने के लिए गोताखोरों को भी बड़ी मशक्कत करना पड़ी। दोनों युवक 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट बताए गए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जजर भोपाली अब आपको सुनाएंगे भरण समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो बहुत मजा आ रही है, जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं भन्नाट किस्म के। अभी देखो दिग्विजय सिंह साहब का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने एक लड़के से पूछ रहे हैं कि तेरे खाते में 15 लाख आए क्या, अकाउंट नंबर दो मुझे। वो लड़का आया मंच पे, आकर बोला कि मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मेरे तो 15 लाख वसूल हो गए। उसको ऐसा धक्का मार के निकाला बाहर, और बीजेपी वालों ने उसका सम्मान कर दिया बता रही। और मेरा कहना है, आप ग्लोबल भोपाल की बात कर रहे हो, उसके बारे में बताओ ना, ये फालतू बात है, ये ओल्ड फैशन 15 लाख की पुरानी चीज़ें हो गई, अब कोई सुनता नहीं है इनको। वो बताओ नया क्या करने वाले। हाँ, और एक वीडियो और मस्त, ये नंदकुमार सिंह चौहान जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष थे पहले, सांसद भी रहे, एक इनका वो वायरल हो रही है। हाँ, और उसमें जब जैसे पहले एक वो बोला था ना राहुल गांधी का वायरल हुआ था कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, और ये कह रहे हैं एसी मशीन बनाऊंगा, एसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आदमी डालूंगा, उधर से बाई निकालूंगा। बताओ, ये बहुत मजा आ रही है इस समय तो, है बहुत इंटरटेनमेंट चल रही है। और ये एक नया स्टार्टअप देख लो, ये इंदौर की खबर है, यहाँ पे 12वीं तक पढ़ा हुआ वही लड़के ने एक नया स्टार्टअप किया, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल दिया भैया पूरा। हाँ, और वो स्पेशल 26 मूवी देखी थी ना, जिसमें अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार कर लेते हैं ऐसी, तो वहाँ से इंस्पायर हो गए, इन्होंने अपना चालू कर लिया और छापे आपे मार दिए। और बाद में बताया ये पकड़े गए, कुछ पैसा वैसा भी कमा लिया थे इनने। तो अब मोदी जी भैया रोजगार दो, नहीं तो ऐसे स्टार्टअप शुरू करेंगे ये लड़के। हाँ, और ये खबर इधर देख लो, ये जो सन्नी देओल साहब हैं, जो 2.5 किलो का जिनका हाथ है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी वाले बोले हमारे भी 2.5 किलो का हाथ हमारे पास आ गया है, ताकत आ गई है। ये गुरदासपुर से इनको टिकट भी दे दिया है बीजेपी वाले, फूले नहीं समा रहे, 2.5 किलो के हाथ दिखा रहे हैं ऐसे। और ये खबर, अच्छी खबर इधर बता रही हूँ, बजरंग पूनिया जो अपने पहलवान है, इन्होंने कहा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड ले लिया। और मैं कह रहा हूँ अभी लौट के आ रहे हैं, इनको चुनाव में लगा दो, ये सब नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं ना अपने पॉलिटिशियन, इनको अच्छे से कुश्ती करना सिखा दें। हाँ, और मैं भी चला भैया अखाड़े, अपनी बॉडी वाड़ी बनाऊंगा, अखाड़े पहलवानी करूंगा। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।